हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ईपीएफओ के इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के सिलेबस की। यूपीएससी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए 421 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है पेन और पेपर बेस्ड होगा, और जो कैंडिडेट रिक्रूटमेंट टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होंगे उनको केवल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पोस्ट नेम जो है इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की है, और इंटरव्यू की डेट जो है 4 अक्टूबर 2020 है। कमीशन द्वारा 4 अक्टूबर 2020 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं स्कीम और सिलेबस की। तो स्कीम की बात करें रिक्रूटमेंट टेस्ट के स्कीम की, तो पेपर जो है 2 घंटे का होगा। इसमें सभी क्वेश्चन जो है बराबर नंबर के होंगे, इसमें ये नहीं बताया गया कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके साथ साथ जो टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे विद मल्टीपल चॉइस आंसर। अगर पेपर के मीडियम की बात करें तो पेपर हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, और इसमें लिखा हुआ देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपसे 1/3 नंबर जो है काट लिए जाएंगे। अगर आपने किसी भी आंसर को टिक नहीं किया है तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं होगी। तो ये थी स्कीम। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और वर्कमैन यानी कि वर्ड का यूज, इसके बारे में पूछा जाएगा। अगला टॉपिक जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है करंट इवेंट से क्वेश्चन आएंगे, और डेवलपमेंट इश्यूज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, और इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से क्वेश्चन आएंगे। इन सब के साथ साथ जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से क्वेश्चन आएंगे। ये तो था सिलेबस। अब बात करते हैं इसके वेटेज की। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू 2 एग्जाम होंगे। रिक्रूटमेंट टेस्ट का वेटेज जो है 75% होगा, और इंटरव्यू का वेटेज जो है 25% होगा। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेस पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के सेंटर्स की। तो अहमदाबाद, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, नागौर, देहरादून, पटना, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, त्रिवेंद्रपुरम, कोच्चि, लखनऊ, जम्मू, चंडीगढ़, पणजी गोवा, पोर्ट ब्लेयर, धारवाड़, मदुरई, रांची, गंगटोक, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, जोरहाट और आइजवाल, ईटानगर, रायपुर, विशाखापट्टनम, तिरुपति, उदयपुर, सांबलपुर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद। आप यहां पर एग्जाम दे सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से सेंटर को फिल करके। डिटेल में जानने के लिए मैंने इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर इसको डिटेल में सिलेबस को पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।